हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो जो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें हम इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट में आपको फाइल जो है वो कैसे बनानी है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से जो फॉर्मेट जनरेट हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मेट रखना है, एंड इसके बाद में हम बात करेंगे आपके प्रोजेक्ट के बारे में। और एक चीज और, आई वॉन्ट टू से थैंक यू ऑल, मेरी YouTube फैमिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं हमें सब्सक्राइब भी करते हैं, वॉच भी करते हैं, एंड लाइक कमेंट शेयर भी कर रहे हैं आजकल। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपने भी, यस यू, जो आप देख रहे हैं अभी, आपने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। बट इन केस यदि नहीं कर रखा हो तो कोई बात नहीं, आप अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो फाइल बनानी है ये हैंड रिटन बनानी है, ठीक है। बट इसमें कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो आपके प्रिंटेड होंगे, ठीक है। तो हम टाइटल पेज की बात कर लेते हैं। तो टाइटल पेज में क्या आएगा, एक तो आपका टाइटल, आप जिस भी चीज में इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है तो उसका टाइटल, और उसके बाद में आपका नाम, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, और सबमिशन की डेट, ठीक है। तो जनरली आप जो लोगो वगैरह लगाते हैं कॉलेज का वो आ जाएगा, और उसके पास में या उसके नीचे आप अपना टाइटल लिखेंगे, ठीक है। सबमिटेड बाय में आपका नाम, ठीक, और सबमिशन की डेट, तो आप सिर्फ डेट लिखेंगे, और डेट जो है वो पेन से आप सेम डे, जिस भी दिन आपकी डेट होगी सबमिशन की, वो आप वहां पर डाल देंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन में आप टाइटल पेज के ऊपर अपना ही कॉलेज का नाम डालेंगे। इसके बाद आप बनाएंगे एक एक्नॉलेजमेंट पेज, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट पेज में आप यहाँ पर अपना जो ग्रेटिट्यूड है, अपने मेंटर्स को, सुपरवाइजर्स को और कलीग्स को अपना ग्रेटिट्यूड, यानी कि जो आभार प्रदर्शन टाइप से होता है, एक्नॉलेजमेंट में हम जनरली थैंक्स बोलते हैं कि आपको अच्छा गाइडेंस मिला, आपको प्रॉपर एनवायरमेंट प्लेटफॉर्म दिया गया, ठीक है, ताकि आप अपनी और नई स्किल्स को पहचान पाए। वो आपको फॉर्मेट जो है ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट का पेज भी लगाना है, ठीक है। तो इसमें आप जहां पर से इंटर्नशिप कर रहे थे वहां के बारे में भी, उनके लिए भी लिखेंगे कि इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, प्लस जो टीचर गाइड थे आपके, जिनसे आप परमिशन लेके वहां पर गए थे, आप उनके लिए, और जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आप हैं उस डिपार्टमेंट के हेड का नाम भी जनरली आप यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रोवाइड किया, आपको अलाउ किया पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, ठीक है। और समय समय पर आपको गाइडेंस भी देते रहे कि आपको क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स का। यहाँ पर आपके जो भी जितने भी अंदर आपने रिपोर्ट में जो भी चीजें बनाई हैं, आप उनका टाइटल डालेंगे और किस पेज नंबर पे क्या है, ये सबको बताइए। इंडेक्स जो बनता है वैसा ही टेबल ऑफ कंटेंट्स बनेगा। उसके बाद बनाना है आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर्टिफिकेट हम ओरिजिनल लगा दें, तो नहीं, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट की जेरोक्स लगानी है। जेरोक्स इसलिए क्योंकि सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, यहाँ से आपने अपना डॉक्यूमेंट कलेक्शन शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आप 5th सेम में हो, आगे जाके आप जॉब करोगे, तो जॉब वगैरह में भी आप यदि इसी फील्ड से रिलेटेड जॉब करेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए एज एक्सपीरियंस काम में आएगा कि हमने फलाना कंपनी में भी एक इंटर्नशिप के तौर पर काम किया हुआ है, ये चीजें हमने सीखी है, तो आप अपना सर्टिफिकेट उनको बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगाना है, जेरोक्स लगानी है सर्टिफिकेट की। ये आपके ऊपर है कि कलर्ड कॉपी लगाना है या ब्लैक एंड व्हाइट, बट फोटो कॉपी ही लगानी है, ओरिजिनल आपको अपने साथ रखना है। ये प्रोजेक्ट के केस में भी, यदि आप ऐसे प्रोजेक्ट बना के लाए तो भी, और कहीं से कुछ भी आप सीख के आए हैं या अपना टाइम दिया है किसी इंस्टीट्यूट में, कंपनी में, या आप किसी कम्युनिटी में गए थे, सोशल वर्क किया, वहां से भी सर्टिफिकेट लिया हो, तो सबके ओरिजिनल आपको अपने ही पास रखने हैं। इसके बाद आपकी रिपोर्ट शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उस जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो उसके बारे में जानकारी दोगे, ठीक है। आप वहीं से क्यों कर रहे हो, वहां के कुछ प्रोस कॉन्स जो थे, तो आप पॉजिटिव चीजें वहां की बताओगे, ठीक है। और आपके इंटर्नशिप के गोल्स भी बताओगे, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव थे कि आपने जिस पर्पज से वहीं से करी, ठीक। तो यह आ जाएगा इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जो है नेक्स्ट, कंपनी ओवरव्यू, कंपनी की हिस्ट्री, मिशन और उनकी की सर्विसेज, कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कब से एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। ये मिशन वगैरह आपको, आप जिस भी कंपनी में है वहां पर आप जब जाए जा ही रहे होंगे अभी, तो आपको वहां से ये मिशन वगैरह मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आप लिखोगे इंटर्नशिप में आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या दी गई थी,
ठीक है, मतलब आप अगर मान लो डेटाबेस मेंटेन कर रहे थे तो आप उसके बारे में लिखोगे, आप डेटा एंट्री कर रहे थे तो उसके बारे में लिखोगे, जो भी आप कर रहे थे, आपने कोई वेबसाइट डेवलप की है तो आप ये बताओगे कि भाई आप वहां पर वेबसाइट डेवलपर की तरह काम कर रहे थे, आपके जो भी काम थे वो, और कौन कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज आपने यूज की हैं, जो भी टूल्स थे टेक्नोलॉजीज थी उसके बारे में जानकारी, ठीक है, जैसे HTML CSS JavaScript यूज की होगी, टूल्स कौन से लिए, सबलाइन या कौन सा जो भी टूल यूज किया हो वो सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बाद में आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, स्टेट द स्किल्स यू हैव टू डेवलप ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, तो आपने ये इंटर्नशिप जो है मन में क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे की थी कि आप क्या क्या सीखने वाले हो, ठीक है, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके यहाँ पर आप इस पेज में बताएंगे। उसके बाद में प्रोजेक्ट्स एंड टास्क, यहाँ पर आप डिटेल की प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी क्या यूज की, आउटकम्स क्या मिले, ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें ही आपकी अगर वेबसाइट बन चुकी है तो उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी इसी में आएंगे, सारा सब कुछ इसमें आएगा। उसके बाद में स्किल्स अक्वायर्ड, आपने जो भी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स वहां जाने के बाद सीखी है उसके बारे में बताओगे, ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स वो जो आपने पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखी, सॉफ्ट स्किल्स वो कि आपको मान लो आप पंक्चुअल नहीं थे पहले, अब आप पंक्चुअल हो गए, सॉरी, मान लो पहले आपको टीम में काम करने में प्रॉब्लम आती थी बट अब आप एक टीम वर्कर बन गए हो, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होती है, तो जो भी आपने गेन की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में चैलेंजेस, कोई भी अगर डिफिकल्टीज आई है आपको और आपने उनको ओवरकम तो किया ही होगा क्योंकि कंप्लीट हो गया है आपका इंटर्नशिप, दैट मीन्स यू हैव ओवरकम दोज डिफिकल्टीज, तो आपको उनके बारे में डिस्कस करना है कि भैया ये मुझे प्रॉब्लम्स आई और मैंने उनको ऐसे ओवरकम किया। इसके बाद फीडबैक और इवेल्युएशन, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा और आपको जो फीडबैक मिला, जहां पर भी आप जा रहे थे उन्होंने आपके लिए जो भी आपको फीडबैक दिया कि हाँ आपने ये अच्छी आई है या जो भी, वो आप फीडबैक लिखेंगे। कंक्लूजन, आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको समराइज करेंगे, और आपने जो भी इंटर्नशिप में सीखा है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा या क्या इम्पैक्ट आया आपके करियर प्लान्स में। मान लो कि आप चाह रहे थे कि मैं एक स्टार्टअप ओपन करूं और आप किसी कंपनी में गए थे और वहां पर आपने काम किया, तो अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको अभी भी स्टार्टअप ओपन करना है या थोड़े टाइम आपको जॉब कर लेनी चाहिए, उसके बाद में और इनसाइट गेन करने के बाद आप स्टार्टअप ओपन करने वाले हो, जो भी, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको समराइज कर दें कंक्लूजन के अंदर। उसके बाद रेफरेंसेस, साइट एनी सोर्सेज और मटेरियल्स, तो यहाँ पर आपने जिधर से भी लिखा हो कंटेंट आपका, उसको जब भी आप कहीं पर लिखते हैं, कहीं से कॉपी किया हुआ या कहीं से लिया हुआ कुछ कंटेंट, तो आप उसको साइट भी करते हैं, साइटेशंस बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो वो किसी वेबसाइट की लिंक भी हो सकती है या अगर आपने कोई रिसर्च पेपर में से देखा है या कुछ भी किसी बुक में पढ़ा है तो आप उसको रेफर कर सकते हो यहाँ पर रेफरेंसेज में। फिर अपेंडाइसेज हैं, ये ऑप्शनल है, देखो इसके पहले वाली जो चीजें थी उसमें ऑप्शनल नहीं लिखा हुआ था बट यहाँ ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे चार्ट हैं या कोड का सैंपल आप डालना चाह रहे हो, वैसे सोर्स कोड की नीड नहीं होती है बट यदि फिर भी आपकी इच्छा है कि भाई मुझे डालना है अपन, तो आप सोर्स कोड के जो सैंपल्स हैं पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट्स वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ तक का था हमारा इंटर्नशिप का, अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फॉर्मेट की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी टाइटल पेज आपको लगाना है, टाइटल पेज मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि कैसा बनाना है, आप उसको एक बार देख लें, यदि आपने वीडियो यहाँ से शुरू की है तो आप टाइटल वाले पेज के बारे में स्टार्टिंग में जाकर के देख लें। उसके बाद आपको लगाना है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की जेरोक्स लगेगी, ठीक है, सर्टिफिकेट आपको कॉलेज को जो है कॉलेज के लिए आप लिखेंगे, उसमें मैं आपसे शेयर कर दूंगी यदि आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं सर्टिफिकेट का जो एक फॉर्मेट होगा वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है, जिसमें आप ये बताएंगे कि भाई ये जो काम है मेरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि कोई कंपनी यहाँ पर साइन नहीं करने वाली है, तो आप उसमें खुद से बताएंगे कि ये जो काम है मेरा ये ओरिजिनल है और मैंने ही किया है, इसमें मैंने कहीं से कोई कॉपी नहीं की, और ये सारी चीजें आप उसमें सर्टिफिकेट में लिखेंगे और आपके जो भी प्रोजेक्ट गाइड रहेंगे वो उसमें साइन करेंगे। उसके बाद में है एक्नॉलेजमेंट्स, जिसमें आप कॉलेज को अपने गाइड को थैंक्स कहेंगे कि भाई इन्होंने हमको प्रॉपर एनवायरमेंट प्लेटफॉर्म और गाइडेंस दिया है, ठीक। उसके बाद में आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में ये आता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो काम क्या कर रहा है, ठीक है, तो आपने जो भी प्रोजेक्ट किया मान लो कोई गेम डेवलप किया है तो उस गेम के बारे में शॉर्ट में जो जानकारी होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो रहता है वो क्रक्स रहता है पूरा, ठीक है, तो इसमें आप पूरी जानकारी दे दोगे शॉर्ट में, मैक्सिमम एक पेज, मिनिमम एक पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें आपके अंदर की जो रिपोर्ट आप लिखेंगे हैंड रिटन होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो
तो ये जो आपकी रिपोर्ट रहेगी उसके बारे में कौन सा टॉपिक किस पेज पे आ रहा है वो आप बताएंगे। लिस्ट ऑफ फिगर्स, अंदर कोई डायग्राम्स वगैरह यूज किए हैं तो उसके लिए एक लिस्ट वाला पेज अलग रहेगा, वो बताएंगे उसमें आप नेम ऑफ डायग्राम और कौन से पेज पे हैं। ऐसे ही अगर कोई टेबल्स होंगी तो उनके बारे में भी आप एक इंडेक्स वाला पेज अलग से लगाएंगे। अगर नहीं है तो ये पेजेस ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आप अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट जो है ये क्या काम करता है, क्यों बनाया है, ठीक। उसके बाद आएगा आपका सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन, जिसमें आप बताओगे कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको किन किन चीजों की नीड लगेगी, कैसे कैसे काम करेंगे हम, क्या उसका डिजाइन रहेगा, ठीक। जैसे मान लो आपने कोई फूड ऑर्डरिंग का बनाया है तो उसमें आपके पास में बहुत सारी टेबल्स भी होंगी, है ना, बहुत सारी एंटिटीज भी होंगी, क्योंकि अब आप 5th सेम में, दैट मीन्स आपको डेटाबेस भी पता है, DFD मालूम है, डेटा फ्लो डायग्राम, तो वो सब आपके आएंगे इसमें यहाँ पर, ठीक है। एनालिसिस करोगे आप कि फूड जब ऑर्डर कर रहे हैं तो एक कस्टमर एंटिटी है, उस एंटिटी के और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके पास क्या क्या राइट्स रहेंगे, ये सारी चीजें, और फिर इसको डिजाइन करेंगे आप। फाइनली आएगी आपकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आप बताएंगे कि कौन से टूल्स यूज करके आपने अपना प्रोजेक्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है, ठीक। यहाँ पर अगेन बोल रही हूँ, सोर्स कोड अभी तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया है कि आपको सोर्स कोड लगाने हैं, तो आप यहाँ पर अगर पर्टिकुलर कोई से आपको लगता है कि ये शेयर करना है तो वो आप लगाओगे, अदरवाइज आपकी इम्प्लीमेंटेशन, हालांकि पूरी फाइल आपकी जो है ये हैंड रिटन होगी, जो रिपोर्ट है स्पेशली वो फ्रंट पेजेस आपके प्रिंटेड होंगे, तो ये जो रिपोर्ट है ये आपकी हैंड रिटन है, बट जो आपके प्रोजेक्ट के फ्रंट पेजेस वगैरह होंगे उसके आप स्क्रीनशॉट्स या फोटोज यहाँ पर लगा सकते हैं, जिनके प्रिंटआउट्स लगा सकते हैं आप, ठीक है। फाइनली रिजल्ट्स, कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बन गया है, उसमें क्या क्या चीजें हो रही है, या आपका जो भी रिजल्ट्स रहे। एंड डिस्कशन, उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप बता दोगे कि आपने क्या क्या किया है, अच्छे से काम चल रहा है, और यदि उसको और एक्सटेंड किया जा सकता है तो आप उसके बारे में फ्यूचर स्कोप में बताएंगे, और उसमें कोई सी भी चीज अगर आपने किसी वेबसाइट से, किसी बुक से, कहीं और से लिखी है तो आप वो रेफरेंसेस में बताएंगे कि आपने ये जो अपना डेटा है वो कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। जब भी आप रेफरेंस लेते हो तो रेफरेंस का नंबर डालते हो और वो नंबर उस जगह मेंशन करते हो जहां आपने उस रेफरेंस को यूज किया हुआ हो। और अपेंडाइसिस, जिसमें आपके चार्ट्स वगैरह अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके बाद फिर से यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि रिपोर्ट जो है वो आपकी हैंड रिटन होना चाहिए, फाइल की बाइंडिंग स्पाइरल होगी, ठीक है, फ्रंट पेज, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, डिक्लेरेशन, ये जो रहेगा ये सारा आपका प्रिंट फॉर्मेट में रहेगा, बाकी का जो कुछ रहेगा इंट्रोडक्शन से आगे तक का वो सब कुछ आपका हैंड रिटन होगा। सो आई होप ये जो वीडियो है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।